सर्वे ज्ञानार्थ क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हम अपना का जो क्लास में इन बच्चों का जो इतिहास पढ़ाया क्लास टेंथ का, और ये तीन बच्चे हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, और तीन बच्चे से सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे जो हम तीन चैप्टर पढ़ाए हैं पूरी तरह से, जिसमें पहला चैप्टर है आपका इतिहास में पढ़ने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है साम्यवाद समाजवाद, और तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये तीन चैप्टर से हम वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में डालेंगे जो यही बताएगा, और हम केवल और केवल इनसे प्रश्न पूछेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों स्टूडेंट का अपना अपना नाम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। बताओ बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद तौसीफ आलम। तो मोहम्मद तौसीफ आलम है, ये वीडियो में शामिल हुए हैं। दूसरा नाम पूछते हैं। मोहम्मद मुदस्सिर आलम। इनका नाम है मुदस्सिर, और इनका? रवि रंजन कुमार। इनका नाम है रवि रंजन कुमार। तीनों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न और इतिहास का पहला चैप्टर से क्वेश्चन दागते हैं मोहम्मद तौसीफ से। तो बताओ कि इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। वीडियो में थोड़ा सा घबरा गया लड़का, क्या करिएगा, समझ में आ जाएगा। इस दूसरा प्रश्न पूछते हैं मुदस्सिर से। ये बताएगा बाबू कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। ये बताएगा कि किसके किसके बीच हुआ सेडोवा का युद्ध? प्रशास्त्रिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। तीनों ने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताओ कि साम्यवाद किसे कहते हैं? उत्पादन की वे सारी वस्तुएं जिन पर सरकार तथा जनता दोनों की अधिकार, उसे साम्यवाद कहते हैं। गुड, वेरी गुड। इसके बाद इनसे पूछते हैं अगला प्रश्न। बताओ बाबू कि लियो टॉलस्टॉय ने कौन सा पुस्तक लिखा था? वार एंड पीस पुस्तक। वार एंड पीस पुस्तक, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताओ कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जगाने के लिए फान वोई चाऊ ने कौन सा बुक लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। बहुत बढ़िया, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ढंग से इसको क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं इनको से। बताओ बाबू, हिंद चीन में जो है इसे सबसे मेन हीरो के नायक देखा जाता है हो ची मिन्ह का, तो हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताओ कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी व्यापारियों क्या कहा गया? कोलोन। कोलोन कहा गया। देख सकते हैं कितना मस्त तरह से इन्होंने जवाब दे रहा है जो इतना हम पूछ रहे हैं। इसके बाद इससे पूछेंगे, बताओ बाबू कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक। इसके बाद बताओ प्रसा का चांसलर कौन था? प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था, बिल्कुल सही। जो लाल खमेर सेना की स्थापना किसने किया था? नरोत्तम सिन्हानुक। नरोत्तम सिन्हानुक। बाओदाई कहाँ के शासक था? दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम के, बहुत बढ़िया। जिनेवा समझौता कब हुआ बालक? 1954 में। 1954 ईस्वी में हुआ। देख सकते हैं कि बता रहे हैं 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ। तो बताएगा ये मुदस्सिर की जिनेवा समझौता के दौरान वियतनाम कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था। इसके बाद बताएगा कि हो ची मिन्ह जो था जिनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम का शासक बना, तो उत्तरी वियतनाम का शासक कौन बना? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह बना। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं इधर से। ये बताएगा कि सेडोन का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें आपको पता होगा कि जो है इसे आपका प्रसा जीत गया था और फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। इसके बाद बताया जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा संभव हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हुआ था। तो बताएगा ये नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वह कब हुआ? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसके द्वारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछते हैं, जॉलवे राइन क्या है बाबू? जॉलवे राइन एक व्यापारिक संगठन है। व्यापारियों का संघ या संगठन है जो किसके द्वारा बनाया गया था मुदस्सिर? प्रसा के द्वारा बनाया गया। प्रसा राज के द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1834 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न फिर से दागेंगे इनको पर। बताओ कि इटली के एकीकरण करने के लिए जो मेजनी था वह कौन दो संगठनों की स्थापना किया था? यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। इसके बाद इनसे पूछेंगे कि यंग इटली की स्थापना कब और यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया मेजनी के द्वारा? यंग इटली का 1831 में, यंग यूरोप का 1834। बहुत बढ़िया, यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था जोसेफ मेजनी के द्वारा। तो चलिए इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न डाल देते हैं इनके बीच कि जो मेजनी का पूरा नाम था जोसेफ मेजनी, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ?
जन्म 1805 में सर्डिनिया के जिनेवा नगर में। बहुत बढ़िया, 1805 ईस्वी में जोसेफ मेजनी का जन्म हुआ था और सर्डिनिया के जिनेवा नगर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बताना है बाबू कि काउंट काबुर को प्रधानमंत्री के पद पर किस व्यक्ति ने नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, जैसे कि देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से सारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और बता देते कि विक्टर इमैनुअल जो था वह इटली का शासक था। इसके बाद बताइए कि चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? पॉलिग्नेक को। पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री चार्ल्स दशम ने बनाया था। इसके बाद बता बाबू तू कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? गिज्जो। गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री लुई फिलिप बनाया था। इधर से फिर किजन पूछते हैं, बताओ कि साम्यवादी को पहला अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेखनाव। प्लेखनाव, प्लेखनाव था। तो इसके बाद इधर से पूछते हैं कि लेनिन जो था वह कहाँ का नेतृत्व किया था? रूस के। रूस का। लेनिन किस दल का नेता था? बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बताओ कि ट्रॉट्स्की ने किस सेना का गठन किया? लाल सेना का गठन किया। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया। आपको याद रखना है कि लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की किया, जबकि लाल खमेर सेना की स्थापना जो था वह नरोत्तम सिहानू किया था। इसके बाद इधर से पूछते हैं क्वेश्चन, बताओ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में गांधी जो थे वह आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ लेते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो उनके आने की खुशी में भारत में कौन सा दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस। अप्रवासी दिवस, देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से तैयारी किया गया है इनके द्वारा और कराया गया है हमारे द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं मुदस्सिर से। आगे बताओ बाबू कि होम रूल लीग की स्थापना कब और किसके किसके द्वारा किया गया? 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया, जैसे कि बताए इन्होंने कि एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड के तौर पर किया गया था। ये हम इसमें थोड़ा सा जोड़ दिए। नेक्स्ट प्रश्न देख पूछते हैं इनको से, बताओ बाबू तुम कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद फिर इसे यहाँ से हम प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताओ कि आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर जब मेटर्निक था तो ऑस्ट्रिया युग का मेटर्निक का युग कब से कब तक चला? 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटर्निक युग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बताएगा इधर से कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये सही बात है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम, बहुत बढ़िया। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश। बहुत बढ़िया। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई सोलहवां किस वंश के था? बुर्बो वंश का शासक था, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था जो किस वंश के था? रोमनोव वंश। बहुत बढ़िया, रोमनोव वंश के शासक था। इसके बाद बताएगा कि आपका जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था कब और किसके द्वारा किया गया था, यह बताएगा मुदस्सिर। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 ईस्वी। बहुत बढ़िया, ये बता रहे हैं कि कृषक दास प्रथा का अंत जो है इसे जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था 1861 ईस्वी में रूस में किया गया था। हालांकि इसके समाप्ति से वहां के किसानों के कोई दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ बालक? 1917। बोलो 7 नवंबर 1917। गुड, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। इसके बाद इधर से बताएगा ट्रॉट्स्की बोल्शेविक दल के नेता में आपका जब करेंसी की सत्ता जब समाप्त हुई तो ट्रॉट्स्की कौन सा पद पर नियुक्त हुआ? विदेश मंत्री। बहुत बढ़िया, विदेश मंत्री के पद पर ट्रॉट्स्की नियुक्त हुआ था। एक और उसमें पूछता है कि लेनिन जो था वह नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन जो था वह रूस के लोगों की आर्थिक स्थिति, जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नेप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसको पूरा फुल फॉर्म है उसका नेप यानी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसकी स्थापना लेनिन ने आपका 1921 ईस्वी में किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था ये बताएगा नेक्स्ट। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं इससे, बताओ कि जॉलवेराइन हो गया, इसके बाद बताना है जॉलवेराइन की स्थापना हो गया, इसके बाद बताना है कि मेटर्निक युग कब समाप्त हुआ? 1848 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, रोकना नहीं है, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका पढ़ाई किस प्रकार से मिलता है यहाँ पर, वो बताएंगे। और बोलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताओ कहाँ पढ़ते हो आप लोग?
मैं सोब में सर्वज्ञान क्लासेस में पढ़ता हूँ। SST कौन पढ़ाते हैं? महेंद्र सर। महेंद्र सर कौन है? महेंद्र सर आर्ट्स के टीचर है। आर्ट्स के टीचर है। जो महेंद्र सर आर्ट्स के टीचर है वो पढ़ाते हैं, क्या वो सारे टॉपिक बढ़िया से समझ में आता है? खूब बढ़िया समझ में आता है। खूब बढ़िया से समझ में आता है। इसके बाद बताएगा ये कि बच्चों को जो चैनल बनाया गया है इससे जुड़ना चाहिए या नहीं? जुड़ना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बहुत सारे फायदे होते हैं जी। तो सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के यूट्यूब चैनल के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये चैनल से बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कैसे मिलती है? बहुत अच्छा मिलती है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। इसके बाद लास्ट प्रश्न इनसे पूछेंगे, चैनल के बारे में क्या कहोगे बाबू? जोड़ो। इनका हंसी बता रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम किसी दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, अबरी जो लेकर आएंगे वह किसी गर्ल्स को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।